नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम प्रिंटर के ऊपर कैसे ट्रबल शूटिंग करते हैं। मान लो कि प्रिंटर में आपने कमांड दी और आपका प्रिंटर नहीं आ रहा है, तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, अगर आप प्रिंट की कमांड दे रहे हो प्रिंटर का, सबसे पहले आपने USB केबल चेक करना है, पावर केबल चेक करना है, उसको आपने फिर से लगाना है। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सभी ने ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कोई भी बताता नहीं है, और प्रिंटर की ये बड़ी ही मेजर और कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अभी मैं आपके सामने प्रिंट दूंगा मगर कमांड नहीं आएगी, इसका कारण क्या होता है, कैसे नहीं आती। तो सभी ने क्या करना है, स्टार्ट में जाना है। जैसे हम स्टार्ट पर जाते हैं तो आपने स्टार्ट पर जाकर क्या करना है, डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर जाना है। तो आपने कहाँ जाना है, डिवाइस एंड प्रिंटर, ये नीचे रहा डिवाइस एंड प्रिंटर। कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हो आप, अगर कंट्रोल पैनल से आपको नहीं पता तो आप डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर टिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके सामने ये जो प्रिंटर है, ये प्रिंटर का डिवाइस आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके प्रिंटर में, मान लो कि आपके कंप्यूटर में ये नहीं दिखा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपका जो प्रिंटर है वो सही काम नहीं कर रहा है, या तो उसका ड्राइवर उड़ गया है या आपको ड्राइवर डालना पड़ेगा। अगर HP का ड्राइवर है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी ड्राइवर जो है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पर सर्च करके। आपने सिर्फ प्रिंटर का मॉडल डालना होता है, और साथ में मान लो कि यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है तो आपको ड्राइवर डालना है। अगर आ रहा है और फिर भी प्रिंट नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद पहले आपके सामने प्रिंट कमांड देता हूँ। जैसे मैंने ये प्रिंट दे दी, मैं प्रॉपर्टीज़ में चला गया, मैंने इसकी कमांड दे दी, तो अब मैंने देखा कि इसमें प्रिंट नहीं आया। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रिंट क्यों नहीं आ रहा है। मैंने अपनी तार भी चेक कर ली है, USB केबल और इसकी पावर केबल भी चेक कर ली है, प्रिंटर की, प्रिंटर भी ऑन है। तो हमने फिर क्या करना है, अपने डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ओपन करना है, प्रिंटर के ऊपर डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपका दिखा रहा है कि ये जो ऊपर है, ऊपर सबसे ऊपर दिखा रहा है प्रिंटर डॉक्यूमेंट एंड व्यू, तो हमने इसके ऊपर टिक करना है प्रिंटर। तो आपने नीचे दिख चेक करना है, आप नीचे देख रहे हैं कि नीचे भी इसमें टिक आ रही है। तो ये टिक किस चीज़ के ऊपर आ रही है, क्योंकि अगर आप प्रिंट कमांड दे रहे हैं, अगर यहाँ पर एक टिक है तब तो आपका प्रिंट आएगा, अगर सेकंड प्रिंटर की जो टिक हुई पड़ी है नीचे तो आपका प्रिंट नहीं आएगा। तो इसमें दिखा रहा है, ये कह रहा है कि यूज़ प्रिंटर ऑफलाइन। यूज़ प्रिंटर ऑफलाइन का अर्थ है कि आपका प्रिंटर जो है बंद है, मगर आपने वहाँ से तो ऑन कर रखा है मगर यहाँ से ये बंद है। तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाना है नीचे। एक तो प्रिंटर आपका सेट एज डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको करना है टिक, एक ही टिक होनी चाहिए। सेकंड, आपको इस टिक के ऊपर टिक करना है, जैसे आप ये टिक करोगे तो हट जाएगा और प्रिंट आपका आ जाएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम प्रिंटर की प्रिंट कमांड जैसे नहीं आती है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। तो काफ़ी ईजी है, अगर आपके प्रिंटर का जो है ये जो ढक्कन बताता है इसका, कि इसका ढक्कन खुला है, ये है वो है, तो आपने इसको सही से बंद करना है। जैसे अभी मैंने कमांड इसको हटा दिया यहाँ से, ये तो ठीक हो गया, मान लो कि आपने ये हटा दिया, अभी इसके नीचे ये हो गया, ये आप देख रहे हैं ये येलो हो गया। तो येलो का अर्थ है कि आपका जो प्रिंटर है उसका ड्राइवर फिर से डालना है। तो आपने क्या करना है, इसका ड्राइवर डालना है, फिर से इसको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद इसको प्रिंट कमांड देनी है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही मेरी बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी।
और साथ में ये ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।